और ऐसा ना, आप ऐसा कीजिए, स्कूल सुबह किस टाइम निकल जाते हैं आप? चलो सब उधर चलो। और शाम को लौटते किस टाइम? आ जाएगा अभी, मैं अभी लूंगा मैम। सर आप लीजिएगा, अभी लेते हैं पूरा पहाड़ लेना। अच्छा ना, आप या तो ये हमारा मुख्य मंदिर जो है, कल आप हमें कमरे दे दीजिएगा। हम साढ़े तीन बजे तक हम कमरे पे रहते हैं अपने। हाँ साढ़े तीन बजे तक तो वहीं दे दीजिएगा, जमा कराते हैं। क्योंकि मंदिर के अंदर की फोटोग्राफी वीडियोग्राफी प्रतिबंधित है, इसलिए हम आपको अंदर का हॉल नहीं दिखा पाएंगे, परंतु बाहर के हिस्सों की नक्काशी और जो शरण स्थली है आप देख सकते हैं। हर मंदिर के ऊपर एक पशु आकृति है, जिसको इस पशु के पंजों में आप एक सिर देख सकते हैं। ये किस चीज़ का है ये आपको खुद ही पहचानना पड़ेगा। बंदर जैसे लग रहे हैं जिन्होंने शरण ले रखी है। चले ठीक है, मैं अभी उधर आया तो आपको फोन कर दूंगा। आप तय नहीं कर सकते कि इनमें मूर्ति कौन है और वास्तविक बंदर कौन है, यही सुंदरता है यहाँ की, जो कि सैलानियों को यहाँ पर खींच कर लाती है। बेहद आस्था का प्रतीक है ये मंदिर। मान्यताओं के अनुसार ये ज्योतिर्लिंग है जहाँ पर भोले शंकर विराजमान है, और यहाँ पर जो भी मन्नत रखी जाती है वो निश्चित ही पूरी होती है।